बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन पेटीज की रेसिपी दे रही हूँ। ये बेकरी वाले स्टाइल के बनते हैं, बहुत ज़्यादा लेयर्स वाले और पॉप्ड अप वाले होते हैं। मैं एक नया वर्जन आपको सिखा रही हूँ चिकन टिक्का फ्लेवर में। तो आपने सादी तो ज़रूर खाई होंगी, लेकिन चिकन टिक्का को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं ये जो आपको सिखा रही हूँ, इसके अंदर मैंने 400 ग्राम जो है वो चिकन का कीमा लिया है। आप कोई भी ले लीजिए, चिकन के कीमे की ज़रा स्मेल नहीं आती है, बीफ की कीमे की स्मेल आती है। एक अंडा मैं लूँगी पेस्ट्री पर लगाने के लिए, एक पफ पेस्ट्री यूज़ कर रही हूँ, पूरा ब्लॉक यूज़ करूँगी। और ये रूम टेम्परेचर पर बाहर है मेरे पास, ताकि मैं इसको आराम से बेल सकूं। सॉल्ट पेपर मैं टेस्ट के हिसाब से ऐड करूंगी। यहाँ पर मैंने चिकन टिक्का का मसाला लिया है, सॉरी चिकन टिक्का का नहीं, कोई भी टिक्का मसाला आप ले लें, 2 टेबलस्पून भर के लिया हुआ है। देख के डालूंगी, जितना भी मुझे जरूरत होगी, जितना भी आपको टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च चटपटा रखना है तो उस हिसाब से हम ऐड कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड का ले लीजिएगा। प्लेन फ्लावर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून लिया है, ये भी मैं देख के ऐड करूंगी, जितना मुझे जरूरत होगी सारा ऐड नहीं करूंगी। एक प्याज मैंने चॉप की हुई है यहाँ पे बारीक बारीक। मक्खन शुरू में डालूंगी थोड़े से तेल के साथ, और एक कटर आपको चाहिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ उसको बनाना किस तरह है। तो यहाँ पर आप देखें, 1 टेबल स्पून मैंने ये बटर लिया है, और ये मैंने इसमें डाल दिया है। कोई भी बर्तन ले लें, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है पहले, और उसके साथ बटर डाल दिया। थोड़ा सा ये गर्म होना शुरू हो जाए तो आप इसमें अपना कीमा ऐड कर दें। कीमे को आपने अच्छी तरह से भूनना है, ताकि इसका जितना भी ये कलर है वो चेंज हो जाए और कीमा अच्छे तरीके से भून जाए। आँच पे भी मीडियम पर ही है, और मैं इसको अच्छे तरीके से जो हूँ वो भून रही हूँ। ठीक है, तो 5 से 7 मिनट लगेंगे। सारा तोड़ लीजिएगा, ब्रेकआउट उसको कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, और भून लीजिएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर आप देखें कि कीमा जो है मेरा भून चुका है। मेक श्योर कीजिएगा कि इसमें ऑयल वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि आपने ये पेस्ट्री में डालना है, तो फिर ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर आता है। तो ये देखिए कीमा अच्छी तरह से भून गया, लाइक थोड़ा सा फ्राई हो गया है, वाइट भी हो गया है। अब मैं इसमें ये अनियन ऐड करने लगी हूँ। एक प्याज मैंने लिए चौकी हुई, सॉरी पीछे से आपको आवाज़ें आ रही होंगी शोर की, ये हमने तोते रखे हैं तो वो उसकी वजह से बहुत शोर मचाते हैं ये। तो ये आप जो है अच्छे तरीके से इसको 2 मिनट और प्याज को इसके साथ भून लें। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, ये आपका टिक्का मसाला है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये ऐड करके इसको अच्छी तरह भून लें। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। जो लोग ज़्यादा चटपटा पसंद करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, और जो लोग कम तो वो कम डाल दीजिए। थोड़ी सी मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, बिल्कुल 1 पिंच की जितनी, ये आपके टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल 1 पिंच ही तकरीबन, ये आप चख के ऐड कर लीजिएगा नमक, क्योंकि टिक्का मसाला में भी ऑलरेडी नमक और मिर्ची वगैरह होती हैं। ठीक है, ये ऐड करें, साथ साथ भूनते जाएं। ये बहुत ही झटपट बन जाता है, बस आपको ये होगा कि फिलिंग बना के ठंडा करना होगा, और उसके बाद आपको पेस्ट्री जो है वो अपनी बेलनी है प्लेन फ्लावर के साथ, बिल्कुल जैसे नॉर्मल सरफेस पे आप उसको बेल लेते हैं वो करना है आपको। तो ये कीमा में साथ साथ भून रही हूँ। ठीक है, ये मैं ऐड करूँगी इसमें, पहले मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, बल्कि 2 कर लीजिए, और इसको मिक्स करें, और फिर इसको देखें इसकी क्या कंडीशन है। क्योंकि हमें जो है ये ऐसा चाहिए कि लाइक ये थोड़ा बाइंड हो जाए, प्लेन फ्लावर डालने से थोड़ा सा बाइंड हो जाता है, और ये होता है कि जब आप पेस्ट्री के अंदर इसको डालेंगे तो ये गिरेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि हम कीमा फ्राई करते हैं तो वो अलग अलग सा गिरने लगता है, और हम किसी भी चीज़ पर डालें तो वो पकने के बाद या बेक होने के बाद बिखर जाता है। ये नहीं होगा इससे, इसका ये फ़ायदा है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं, ये देखें कीमा किस तरह से स्टिक ऑन हो गया, बिल्कुल जुड़ा जुड़ा सा हो गया, ये पेस्ट्री में आराम से चला जाएगा। तो ये बस मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ही डाले हैं, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है। ये डाल दीजिए और चूल्हा बंद कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम इसको फिलिंग को ठंडा कर लें, और मैं पेस्ट्री भी बेल लूँ साथ में। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देखें, मैंने पेस्ट्री को बेला है, और उसके बाद मैंने उसको बेल कर ये इस कटर के साथ जो है शेप्स काटी हैं, बहुत ज़्यादा काट के मैंने रख ली हैं। ये आपने करना क्या है इसके साथ, मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है इसको बनाने के लिए। पहले एक लिया आपने ये जो राउंड सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर जो है आपने ये जो कीमे की फिलिंग है ये डालनी है बिल्कुल सेंटर में। थोड़ी थोड़ी डलेगी, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ी जाती है इसके अंदर, ये बिल्कुल लाइट लाइट से बनते हैं, बहुत स्पाइसी से और भरे हुए नहीं बनाएंगे हम। ये डाला है आपने, अब आपने दूसरा पीस लेना है, इसको आपने जो आपके पास अंडा था वो फेंट के मैंने यहाँ रखा हुआ है, इसको आपने ब्रश करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, ये देखें
एग वॉश मैंने लगा दिया इसके, अब आपने इसके ऊपर ही अपसाइड डाउन करके ऐसे रख देना, ठीक है। अब ये जो उसकी टॉप लेयर है इसको भी आप हल्का सा एग वॉश से ब्रश कर लें, और ये जो एक और पेस्ट्री है ये इसकी हमने टॉप पे लगा दी है, ठीक है। इस तरह आपने हल्का हल्का प्रेस डाउन करना है और लेयर्स करते जाना है, जितनी भी आपको पसंद हो। मैं तकरीबन 3 से 4 करूंगी, तो फिर ये होगा कि जितने आप लेयर्स लगाते जाएंगे ये उतना ज़्यादा पेस्ट्री जो है वो फूलेगी और बिल्कुल बेकरी स्टाइल के जिस तरह पफ्स होते हैं उस टाइप के बनेंगे। तो आपकी अपनी चॉइस पे है, अगर आपने 3 लेयर लगानी है तो आप 3 पेस्ट्रियाँ लगा लें, बिल्कुल बॉटम वाली जिसमें कीमा है उसके ऊपर 2 और लगा ली हैं, और अगर आप चाहें तो आप एक और लगा लें अगर आपको ज़्यादा पफ करना है उसको, तो उसी तरह एग वॉश लगा के और बिल्कुल टॉप पे जो है उसकी आपने ऐसे रख दिया है, ठीक है। ये हो गया, हल्का हल्का आपने प्रेस डाउन करना है साइडों से ताकि जो है ये बिल्कुल अलग अलग ना हो थोड़े से, क्योंकि ये फूल के ऑलरेडी जो है वो पफ्ड अप होके थोड़ा सा अलग होना शुरू हो जाता है, तो हल्का सा आपने प्रेस डाउन उसको कर लिया, सही है। तो आपने ये करना है, इस तरह आपने बनाना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास ये पार्चमेंट ट्रे है, अवन की ट्रे, इस पर मैंने पेपर लगाया हुआ है, ये आपने इसके ऊपर रखा है इस तरह से, ठीक है। अवन मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया है, तो इस तरह जो है आपने जितने भी आपके पास ये सर्कल्स बने हुए हैं इस तरह सारे अरेंज कर करके आप इसमें ट्रे में लगाते जाएं, और अवन मेरा गर्म हो रहा है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक। तो यहाँ पर आप देखें ये मैंने सारी बना ली हैं, इस तरह से आपने अवन की ट्रे में डालनी है और प्री हीटेड अवन में पहले से ही गर्म करके जो है ऑलरेडी हुआ हुआ है उसमें डाल रही हूँ, जब तक ये अंटिल गोल्डन ब्राउन हो जाती हैं, पफ्ड अप हो जाएंगी और क्रिस्पी हो जाएंगी, ठीक है। फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए अच्छे तरीके से जो है मेरी पफ पेस्ट्री जो है वो फूल चुकी है, ये मैंने सारे बाहर निकाल लिए हैं और ये देखें गोल्डन ब्राउन हो गए हैं इनसाइड एंड आउट कुक्ड, ये देखें नीचे से भी देख लें बिल्कुल अच्छी तरह से कुक्ड हो चुके हैं, ये देख लें ये सारा कुक्ड हो चुका है, और आप देख रहे हैं इसमें लेयर्स, ये देखें ये सब इसलिए होती हैं क्योंकि ये जो आपने जितनी ज़्यादा वो की हुई है ना पेस्ट्री की लेयर्स लगाई हैं उस हिसाब से ये फूलेगा, जिसमें आपने कम लगाई है वो फिर थोड़ा कम फूलेंगी, जिसमें ज़्यादा लगी हुई है तो ये देखें ये ज़्यादा पफ्ड अप हो गया है। तो ये इस तरह से है, ठीक है। आप आपकी अपनी चॉइस पर आप जितनी मर्जी लेयर लगा लें। तो ये मेरी बिल्कुल डन हो चुकी है, बहुत मज़ेदार पेस्ट्रीज बनी हैं, और आप इनको ज़रूर बनाइए, इंजॉय कीजिए, बच्चों को खिलाइए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।